स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। ये चैप्टर मैंने आपको क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ा दिया था, इसको वापस अपन रिवाइज करते हैं। और रिवाइज करके इसका है ना पहला फर्स्ट पार्ट है ना मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक में है द एज ऑफ द सोशल चेंज। तो ये सामाजिक परिवर्तन का युग था, और इस सामाजिक परिवर्तन के युग में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, फ्रांस क्रांति थी, क्रांति हुई थी, इसने ना इन संभावनाओं को खोल दिया था। ड्रामेटिक चेंज, एक नाटकीय परिवर्तन हुआ था, और जिससे सोसाइटी का जो ढांचा है जो आज अपने अस्तित्व में आया था। आपने पहले भी पढ़ा था कि 18वीं शताब्दी के अंदर जो हमारा समाज था वो ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू स्टेट्स। तो ये जो समाज जो था वो विस्तृत रूप से है ना बटा हुआ था, एंड इट वाज द अरिस्टोक्रेसी, और यहाँ पर अरिस्टोक्रेसी थी, एंड चर्च विच कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल पावर, और चर्च के हाथों में है ना आर्थिक और सामाजिक शक्ति है ना वो नियंत्रण थी। अचानक कुछ इस रिवॉल्यूशन के बाद में कुछ संभावनाएं है ना वो परिवर्तित हुई, और देश के और विश्व के बहुत सारे भागों के अंदर जिसमें यूरोप और एशिया, इनमें नए विचारों का इंडिविजुअल राइट्स, व्यक्तिगत व्यक्ति विशेष के अधिकारों के तहत, एंड सोशल पावर बिगिन टू बी डिस्कस्ड, और जो सामाजिक शक्ति है ना उसको भी है ना डिस्कस हुए, उस पर भी विचार लोगों के ना होने लगे। भारत के अंदर राजा राम मोहन राय और डेरोजियर टॉक्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। भारत के अंदर राजा राम मोहन राय ने और डेरोजियर ने, इन्होंने फ्रांस की क्रांति के बारे में ना बात की, एंड मैनी अदर्स डिबेट्स, और बहुत सारी और भी डिबेट्स हुई इसमें इन आइडियाज़ के, जो पोस्ट रिवॉल्यूशनरी जो क्रांतिकारी जो विचार थे यूरोप के अंदर, उनका है ना अस्तित्व लोगों के सामने आया। डेवलपमेंट्स इन द कॉलोनीज, उपनिवेश के अंदर है ना विकास हुए, और रेसेप्ट दीज आइडियाज ऑफ द सोशल चेंज, और सामाजिक परिवर्तन के जो जो आइडियाज थे, विचार थे, वो कम हुए। यूरोप हाउएवर वांटेड ए कम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, यद्यपि है ना यूरोप के अंदर यूरोप ये चाहता था कि पूरा संपूर्ण रूप से रूपांतरित हो समाज का, और जो रेस्पॉन्सिज वेराइटीज़ हैं, जो जिम्मेदारी वाले लोग हैं जिन्होंने कुछ परिवर्तन को स्वीकार किया था, उनको नेसेसरी, उनके लिए आवश्यक भी था, लेकिन उनकी ये इच्छा थी कि ग्रेजुअल शिफ्ट, कि धीरे धीरे इन्हें शिफ्ट हो, और दोज हु वांटेड टू रेस्ट्रिक्ट सोसाइटी, और जो इस समाज को बदलना चाहते थे रेडिकली तेज़ी के साथ, संबर कंजर्वेटिव, इसमें से कुछ कंजर्वेटिव्स के भी नाम से पुकारे गए, और देयर वर लिबरल्स, वो स्वतंत्रता प्रेमी थे, रेडिकल्स थे, और उन्होंने कौन कौन सी टर्म है जो रियली मीन, जिनका अभिप्राय ये था कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम, समय के अंतराल में। तो इस प्रकार से ये तीन है ना जो पार्टीज है ना, रेडिकल्स बोले जिनको, लिबरल्स बोले, कंजर्वेटिव्स बोले, तो इनका उदय हुआ। अब नेक्स्ट हेडिंग में अपन लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें से जो एक ग्रुप था जो समाज का, जो लिबरल्स कहलाए थे, लिबरल्स वांटेड ए नेशन, वो यानी एक राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे, विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स, जो है ना सभी धर्मों का सम्मान करे। तो वी शुड रिमेम्बर, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इस समय यूरोप के अंदर जो यूरोप राज्य थे उनके अंदर है ना अलगाववाद था, चर्च ऑफ इंग्लैंड जो ब्रिटेन का था, ऑस्ट्रिया और स्पेन, इन्होंने भी है ना कैथोलिक चर्च का है ना अनुकरण किया था। ऐसे ही इसी कॉन्टेस्ट के अंदर जो रेडिकल्स थे वो भी एक राष्ट्र को चाहते थे, इन विच गवर्नर, जिसके अंदर है ना एक गवर्नर हो, वाज बेस्ड ऑफ द मेजोरिटी, जो है ना कंट्रीज पॉपुलेशन, और वो गवर्नर है ना देश की जो जनसंख्या है उसकी एक मेजोरिटी से है ना वो चुन करके आए, और बहुत सारे जो सपोर्टेड जो वीमेंस सफ्रिगेटी, और जो वीमेंस सफ्रिगेटी मूवमेंट जो हुआ था
ये एक ऐसा आंदोलन हुआ था सफ्रीगेट मूवमेंट, ए मूवमेंट टू गिव वीमेन टू राइट टू वोट, जिस इस आंदोलन के तहत औरतों को वोट डालने का है ना अधिकार दे दिया गया था, इसके लिए ये आंदोलन हुआ था। कंजर्वेटिव बर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स, लेकिन जो कंजर्वेटिव लोग थे संरक्षित रिलीजन को लोग बोला जाए, ये रेडिकल्स और लिबरल्स दोनों के ना अपोज थे, इन दोनों से ही अलग थे। और फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद में इवन कंजर्वेटिव्स, ये सारे के सारे जो कंजर्वेटिव थे, हैड ओपन देयर माइंड्स, इन्होंने अपने ना मस्तिष्क को ना खोल लिया था टू नीड फॉर चेंज, परिवर्तन के मूड में। शुरुआत के अंदर 18वीं शताब्दी के अंदर जो कंजर्वेटिव थे हैड बीन जनरली अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ चेंज, इन्होंने शुरुआत में तो है ना परिवर्तन के जो विचार था उसका है ना सामान्य रूप से विरोध किया था, लेकिन 19वीं शताब्दी तक दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंज, इन्होंने कुछ परिवर्तन को स्वीकार कर लिया, बाज इनएविटेबल बट बिलीव्ड, लेकिन वो इनवाइटेबल था, निमंत्रणीय था उनके लिए, और ये वो विश्वास करते थे कि द पास्ट हैड टू बी द रेस्पेक्टेड, कि जो है ना भूतकाल का हमें सम्मान किया जाना चाहिए, एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट एवर थ्रू ए स्लो प्रोसेस, और स्लो प्रोसेस में धीमी धीमी गति से है ना चेंज को है ना आगे बढ़ाना, परिवर्तन को आगे बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। अब औद्योगिक जो समाज था और जो उसमें सामाजिक परिवर्तन था, इसके तहत ये जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स थी, ये जो राजनीतिक परंपरा थी, वो एक नए समय की है ना साइंस थे, नए समय के हस्ताक्षर थे, और ये एक ऐसा समय था जो प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, ये सामाजिक और है ना आर्थिक परिवर्तन के लिए है ना आर्थिक का युग था। इट वॉज ए टाइम, ये एक ऐसा भी समय था कि वह न्यू सिटीज केम अप, नए जो शहर है ना वो अस्तित्व में आए थे, एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज रीजन्स डेवलप्ड, और नए औद्योगिक क्षेत्र भी है ना विकसित हुए थे, रेलवे इज एक्सपेंडेड, रेलवे का विस्तार हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑक्योर्ड, और औद्योगिक क्रांति जो थी वो भी है ना अस्तित्व में आई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण हुआ, ब्रॉट मैन वीमेन एंड चिल्ड्रेन टू फैक्ट्रीज, बहुत सारे लोग है ना औद्योगिकरण के तहत है ना आदमी औरतें और बच्चे है ना फैक्ट्रीज के अंदर काम करते हुए दिखे गए लाए गए, वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग, और इनके काम करने वाले घंटे थे वो काफ़ी लंबे थे, एंड वेजेस वर पुअर, और इनका जो पारिश्रमिक था वो बहुत कम था। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बाजदा है ना कॉमन, ये सामान्य बात थी, बेरोजगारी है ना सामान्य बात थी, और पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ द लो डिमांड, और जो लो डिमांड थी फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, जो औद्योगिक या जो वस्तुएं थी उनकी है ना व्यक्ति विशेष के द्वारा है ना कम डिमांड थी, कम मांग थी, बहुत सारी लगभग सारी इंडस्ट्रीज प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल्स, क्योंकि ये जितनी भी इंडस्ट्रीज थी ये सभी ही व्यक्ति विशेष की है ना प्रॉपर्टी थी, निजी संपत्ति थी। और लिबरल्स एंड रेडिकल्स, ये जो स्वतंत्रता प्रेमी और जो रेडिकल्स लोग थे, ये अपने आप को ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स, ये प्राय प्रॉपर्टी ओनर्स भी थे, ये खुद की इनकी प्रॉपर्टी थी, एंड एम्प्लॉयर्स, और ये इसके अंदर एम्प्लॉयर्स भी थे, काम करने वाले भी थे, तो इसलिए इन्होंने है ना अपना खूब सारा पैसा बनाया ट्रेड ऑफ इंडस्ट्रियल वेंचर्स से, व्यापार से और औद्योगिक है ना कामों से। दे फेल्ट, उन्होंने ये भी अनुभव किया कि दैट सच एफर्ट, कि ये ऐसे प्रसार शुड बी एनकरेज, ये प्रोत्साहित किए जाने चाहिए, और इट्स बेनिफिट, और इसका जो लाभ है वुड बी अचीव्ड, वो है ना उपलब्ध किया जा सकता है, मतलब प्राप्त किया जा सकता है, इफ़ द वर्क फोर्स इन द इकोनॉमी, अगर कार्य शक्ति या कार्य बल के द्वारा इन इकोनॉमी अर्थ के व्यवस्था के अंदर बाज हेल्दी एंड सिटीजन, यहाँ के जो लोग हैं वो स्वस्थ हो सकें, और सिटीजन्स बर एजुकेटेड, और वो शिक्षित हो सकें। सम नेशनलिस्ट, कुछ ऐसे राष्ट्र भी थे, राष्ट्रवादी लोग थे, लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड रिवोल्यूशंस, वो ना क्रांति चाहते थे, टू पुट एंड ऑफ द काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स, वो किसी भी प्रकार की सरकार को नहीं चाहते थे, एस्टेब्लिश इन यूरोप इन 1815 तक,
और फ्रांस के अंदर, इटली के अंदर, जर्मनी के अंदर, रशिया के अंदर दे बिकम रिवोल्यूशनरी। ये इस प्रकार से क्रांतिकारियों का जन्म हुआ एंड वर्क टू ओवर थ्रो एक्साइटिंग मोनार्च, और वो सम्राटों के विरुद्ध है ना उनको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हुए। नेशनलिस्ट जो थे, जो राष्ट्रवादी लोग थे, टॉक्ड ऑफ द रिवोल्यूशंस दैट वुड क्रिएट नेशंस, और जो राष्ट्रवादी लोगों ने ना राष्ट्रों को स्थापना करने के लिए जो सिटीजन्स थे वुड हैव इक्वल राइट्स, उनको समान अधिकार दिए गए। और 1815 के बाद में ग्यूसेपी मेज़नी, ये ग्यूसेपी मेज़नी नाम का एक इटालियन नेशनलिस्ट था, एक इटली का राष्ट्रवादी था, इसने कंस्पायर्ड विद अदर्स, दूसरों को है ना कंस्पायर किया, प्रेरित किया टू अचीव दिस, इसको प्राप्त करने के लिए इटली के अंदर, और नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूड इंडिया रीड इट्स राइटिंग्स, और भारत के लोगों ने भी इसके जो लेख थे इनको पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना द कमिंग ऑफ द सोशलिज्म टू यूरोप, यूरोप के अंदर समाजवाद का ना आगमन। तो जो सोशलिस्ट थे वो अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये निजी संपत्ति के खिलाफ थे समाजवादी लोग, और उन्होंने ये देखा भी था कि इसकी जो जड़ें थी वो समाज में एक बुराई का कारण भी है ना बन गई थी। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल्स ओन्ड द प्रॉपर्टी, क्योंकि जो व्यक्ति विशेष थे वो खुद की प्रॉपर्टी है ना कमाना चाहते थे, बनाना चाहते थे, दैट गेव एम्प्लॉयमेंट, और वो खुद का है ना रोजगार समाप्त करना चाहते थे। बट द प्रॉपर्टीज वर कंसर्न्ड ओनली विद पर्सनल गेन, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष की खुद की उपलब्धि थी, एंड नॉट विद द वेलफेयर टू दोज, और ये दूसरों की भलाई के लिए नहीं थी। हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव, जो कि खुद प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव के बनाने वाले लोग थे उनके लिए ये लाभदायक नहीं थी। इसलिए ये समाज एज ए होल रादर देन सिंगल इंडिविजुअल्स, क्योंकि ये सभी है ना इकलौते व्यक्ति विशेष के कंट्रोल की नियंत्रण के अंदर ये प्रॉपर्टी हुआ करती थी। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स, इनके ना डिफरेंट विजन्स भी थे। इसमें जो सबसे पहले आया रॉबर्ट ओवन, जो 1771 से लेकर के 1858 तक, ये लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, ये एक अंग्रेजी मैन्युफैक्चरर था, सॉट टू द बिल्ड ए कोऑपरेटिव कम्युनिटी, जिसने यानी एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी, एक समुदाय, एक सहयोगात्मक समुदाय का निर्माण किया, कॉल्ड न्यू हारमोनी इन इंडियन, जिनको है इंडियाना, जिसको एक इंडियाना के अंदर न्यू हारमोनी का नाम दिया यूएसए के अंदर। अदर सोशलिस्ट फेल्ट, दूसरे जो और समाजवादी लोग थे इन्होंने ये अनुभव किया कि कोऑपरेटिव्स कुड नॉट बी बिल्ट ऑन ए वाइड स्केल, कि ये जो कोऑपरेटिव है वो एक विस्तृत रूप से नहीं बनाई जा सकती। फ्रांस के अंदर शुरुआत के अंदर लुइस ब्लैंक 1813 से 1882 वांटेड द गवर्नमेंट, ये जो लुइस ब्लैंक था ये चाहता था सरकार बनाना, टू एनकरेज कोऑपरेटिव, जो सहयोगी थे उनको प्रोत्साहित करते, एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस, और है ना एक कैपिटलिस्ट थे जो पूंजीवादी लोग थे उनके स्थान पर। कार्ल मार्क्स 1880 से 1883 एंड फ्रेंच फ्रेंडरिच एंगल्स 1820 से 1895 एडेड देयर आइडियाज टू द बॉडी ऑफ द आर्गूमेंट्स, इन्होंने भी है ना इन विचारों पर अपने अपने तर्कों को, अपने अपने मतों को रखा। मार्क्स आर्ग्यूड दैट, मार्क्स ने इस बात पर तर्क वितर्क किया कि दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, कि वो जो औद्योगिक समाज थे वो कैपिटलिस्ट थे, और कैपिटलिस्ट ओन्ड द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज, जो कैपिटलिस्ट पूंजीवादी लोग थे इन्होंने अपनी फैक्ट्री में ना पूंजी को इन्वेस्ट किया, एंड प्रॉफिट ऑफ द कैपिटलिस्ट, और जो कैपिटलिस्ट इन पूंजीवादी लोगों का जो लाभ था बाज प्रोड्यूस्ड बाई वर्कर्स, जो है ना वर्कर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था उस लाभ को इन्होंने ले लिया। द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स, और जो वर्कर्स की जो कंडीशन थी कुड नॉट इम्प्रूव, इससे जो काम करने वाले लोगों थे इनकी स्थिति है ना सुधर नहीं सकी, और एक लंबे समय तक प्रॉफिट वाज एक्युमुलेट बाय द प्राइवेट कैपिटलिस्ट, और निजी जो कैपिटलिस्ट लोग थे उनके द्वारा ये लाभ है ना अपने हक के लिए, खुद के लिए काम में
लिया जाने लगा। वर्कर्स हैड टू बी ओवरथ्रो कैपिटलिज्म, और जो वर्कर्स थे उनको इन पूंजीवादियों के द्वारा बेच दिया गया। अब आता है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, समाजवाद में सहयोग के लिए। 1870 ईस्वी तक सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेस थ्रू यू पूरे यूरोप के अंदर फैल गए थे, और कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स, और इनके प्रभावों से, इनके प्रयासों से सोशलिस्ट फॉर्म्ड एंड इंटरनेशनल बॉडी, इन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संरचना की, नेमली द सेकेंड इंटरनेशनल, और उसका नाम सेकेंड इंटरनेशनल दिया। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी, और इंग्लैंड और जर्मनी के वर्कर्स थे, बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू द फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, अपनी अच्छी स्थिति को सुधारने के लिए, अपने जीवन यापन को अच्छा करने के लिए, इन्होंने फाइट करने के लिए ऐसी संस्थाओं को शुरू किया। दे सेटअप फंड्स, इन्होंने फंड्स को सेटअप किया टू हेल्प मेम्बर्स, जिससे ऐसे फंड बनाए गए, ऐसे कोर्स बनाए गए जिससे अपने मेम्बर्स की वो मदद कर सके इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांड ऑफ द रिडक्शन ऑफ द वर्किंग आवर्स थे उनकी कमी को, मांग को पूर्ति करने के लिए और डिस्ट्रेस के लिए। जर्मनी के अंदर ये जो एसोसिएशंस वर्क क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD, जर्मनी के अंदर ये SPD के नाम से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के रूप में इन्होंने कार्य किया, और 1905 तक सोशलिज्म एंड ट्रेड यूनियंस फॉर्म्ड इन लेबर पार्टी इन ब्रिटेन, और ब्रिटेन के अंदर ये लेबर पार्टी के रूप में 1905 के अंदर अपने अस्तित्व में आई। 1914 तक सोशलिस्ट नेवर सक्सेस इन द फॉर्मिंग गवर्नमेंट, 1914 तक ये समाजवादी लोग अपनी सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाए, और रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स, और इनके जो मजबूत फिगर्स थे इन पार्लियामेंट पोल्स से, लेकिन अपना संसदीय राजनीति के अंदर इन्होंने अपनी मजबूत स्थिति बनाई, और इनके जो विचार थे लेजिस्लेशन बट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी रन,